वर्तमान में जो SDM सर हैं अपने, उनको किनसे कैसे बात करना चाहिए, तहसीलदार के पद में हूँ, मेरे से कैसे बात करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, नौकरों की भांति बिहेव कर रहे हैं, हर चीज़ में खुई ढूंढते हैं, हर चीज़ में खुई ढूंढते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में डांटते हैं, वो हमको टारगेट किए हुए हैं। तहसीलदार काम नहीं कर रहा है, पटवारी आरआईयों के माध्यम से मैं काम कर पाऊँगा, पटवारी आरआई नहीं कर रहे हैं, उनकी समस्याएँ मेरे पास क्या समस्याएँ उनको अवगत कराता हूँ, उसमें कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, मैं अकेले परेशान हूँ। उनके रीडर मंडलोई, टीका बाबू, हमारा ज्ञानदास आरआई, हमारे आरआई, हमारे नौरोजवाद आरआई, और इन लोगों से पूछ लिया जाए, पाली तहसील के पटवारी पूरा स्टाफ अप डाउन आ रहे हैं, वो 3 बजे 12 बजे आते हैं, 3 बजे भाग जाते हैं, उनको मुंह से लिखित में सब चीज़ SCN जारी कर चुका, मुख्यालय निर्धारित कर दिया तो भी नहीं रहते। अब मैं इतना ही भर कर सकता हूँ, उसके बावजूद भी जब कर्मचारी उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए SDM साहब को बताया तो भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है, अकेले मेरे को निशाना बना के ऊंचे शब्दों में बात करते हैं, मेरे लिए गाली वही है, ऊंचे शब्दों में बोलना, काम नहीं करता साला, क्या करता रहता है दिन भर, यही गाली होता है मेरे लिए। अगला कदम इस्तीफा दे दिया, उनके अंडर में मैं काम नहीं कर सकता, एक तो उनको हटा दिया जाए, अगर मैं गलत हूँ कलेक्टर साहब जांच कमेटी।